सिर्फ 2 मिनट में मक्खी, मच्छर, कॉकरोच और चूहों को भगाने का असरदार घरेलू नुस्खा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाऊंगा जो दोस्तों आपके घर से मक्खी, मच्छर और चूहों को भगा देगा और दूसरा आपके पूरे शरीर को भी स्वस्थ बना देगा। अब ये नुस्खा आपके शरीर को स्वस्थ कैसे बनाएगा? दोस्तों, हम घर में खाना रख देते हैं स्लेब वगैरह पर, वहाँ पर पहले कॉकरोच फिर जाता है या हमारे खाने के ऊपर से फिर जाता है कॉकरोच, मक्खी मच्छर उसके ऊपर बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी सेहत को ख़राब करते हैं, हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। और आपने देखा होगा सभी घरों में, जैसे हम कोई दवाई भी अगर मरवाते हैं, स्प्रे वगैरह भी करवाते हैं, तो फिर 6 महीने बाद वैसे ही कॉकरोच घूमने लग जाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें मक्खी मच्छर कॉकरोच और चूहे ना हो। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बनाकर दिखाऊंगा जिसको आप अपने घर पर बना सकते हैं और इस नुस्खे को बनाने में भी आपको महज 2 मिनट लगेंगे। और इस नुस्खे की सुगंध को सूंघकर दोस्तों मक्खी मच्छर कॉकरोच और चूहे घर से दूर भाग जाएंगे, बाहर गली के आसपास भी नहीं दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए भी महज 2 सामग्री चाहिए और ये दोनों ही सामग्री दोस्तों आपके अपने घर पर हैं। दोस्तों, जो इसके लिए आपको पहली सामग्री चाहिए वह चाहिए अगरबत्ती। दोस्तों, ये अगरबत्ती मैंने ली है 5, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आप बनाना चाहें। और ये दोस्तों अगरबत्ती आपके घर में पूजा घर में आपको मिल ही जाएंगी। और जो दूसरी इसके लिए सामग्री आपको चाहिए दोस्तों, वह चाहिए कपूर। और दोस्तों, कपूर भी आपको अपने पूजा घर में मिल जाएगा जिसे हम आरती में पूजा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया कपूर और ये हो गई अगरबत्ती जिनका हमें यूज करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप अगरबत्ती को लें और इनको बीच से काट लें ताकि बाद में आपको आसानी हो इनके पाउडर को इससे निकालने के लिए। अब दोस्तों, ये मैंने जैसे कपूर लिए, 10 मैंने कपूर की छोटी टिकिया ली। अगर आपके पास बड़ी है तो आप कम ले सकते हैं या जितनी मात्रा में आप बनाना चाहें उतने उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर लेनी आपको कपूर और इसकी जो अगरबत्ती की है वो दोनों बराबर मात्रा में लेनी है। जैसे कि मेरी 10 छोटी टिकियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग ये 5 अगरबत्ती बिल्कुल प्रॉपर बैठ गई। अब दोस्तों, मैंने कपूर को लेकर इसको अच्छी तरह से कूट लेना है। जैसे कि ये मैं कूट रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही कूट लेना है, इनका पाउडर बना लेना है, महीन पाउडर। अब जो आपने ये अगरबत्ती काटी थी पहले, काट कर रखी थी, आपने उनसे इनके पाउडर को छुड़ा लेना है और इसमें मिक्स कर देना है। जैसे कि मैं ये छुड़ा रहा हूँ, आपने भी दोस्तों ऐसे ही करना है और इनको इसमें छुड़ा कर डाल देना है। अब दोस्तों, आपने इन दोनों को कूट लेना है। ये जो अगरबत्ती के आपने पाउडर इसमें डाला उसको भी आपने कूट लेना है अगरबत्ती से छुड़ा कर। अभी मेरा महीन पाउडर बन गया। दोस्तों, ये हो गया आपका नुस्खा रेडी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपने इसका प्रयोग करना कैसे है। दोस्तों, एक कटोरी में मैंने इनको निकाले जो मैंने अभी मिक्स किया था। अब इसमें आपने अपने अकॉर्डिंग पानी मिला लेना है जितना कि आपको जरूरी लगे। अब जैसे कि मैं इसमें पानी मिला रहा हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे इसमें और पानी डालना चाहिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल लेता हूँ और मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो कपूर है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए पानी के अंदर और कपूर की सुगंध बहुत अधिक होती है। अब दोस्तों, आपने क्या करना है, अब बताते हैं इसका प्रयोग करने की विधि। दोस्तों, आपने इस पानी को छान लेना है। जैसे कि मैं ये छान लूँ, आपने चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से दबाकर, जैसे मैं ये दबा रहा हूँ, आपने भी दोस्तों ऐसे इसको छान लेना है अच्छी तरह से। अब ये जैसे कि मैंने छान लिया, अब जो ये छलनी में बचा इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना है, मैं इसका आपको यूज बताऊंगा। जो दोस्तों ये पानी बचा, आपके पास स्प्रे की बोतल होगी, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट में आ जाती है स्प्रे की बोतल वगैरह, या घर में पड़ी रहती है, तो दोस्तों आप इस पानी को उसमें भर लीजिए। और जहाँ पर भी आपके घर में अधिक कॉकरोच आपको दिखते हैं, जैसे किचन में दिखते हैं, ड्रेनेज के अंदर दिखते हैं दोस्तों, सिंक वगैरह के अंदर वहाँ दिखते हैं, तो वहाँ पर आप इस कपूर वाले पानी का छिड़काव कर सकते हैं। सिंक के आसपास दिखते हैं या गैस चूल्हे के आसपास दिखते हैं या अलमारियों के नीचे, जहाँ भी आपको लगता है कि कॉकरोच चूहे छुपे हो सकते हैं, आप वहाँ पर इसका स्प्रे कीजिए। इससे क्या होगा कि वो आपके घर से इसको सूंघकर भाग जाएंगे। दूसरा, अब बात आती है जो वो आपने छाना था उसको। अब दोस्तों, आप कोई रुई का फोहा लीजिए और कोई दीवा वगैरह लीजिए, या दीवा भी ले सकते हैं जो दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं ना, आप दिया ले सकते हैं, या फिर आप कोई बोतल वगैरह को काट लीजिए, जो भी रखने की जगह है उस दिया लेकर आपने ये जो रुई का फोहा था ना,
इसको आपने अच्छी तरह से इस पानी में डुबो लेना है और डुबोकर आपने उस दिए के अंदर रखना है और वो जो छलने में मटेरियल बचा था आपने वो भी इसके अंदर डाल देना है। और दोस्तों अब आपने इसका क्या प्रयोग करना है, जहां पर भी आपको चूहे लगे, आप वहां पर चूहे लगे कॉकरोच लगे अधिक मात्रा में आपको दिखाई दें वहां पर आप इसको रख दीजिए। और दोस्तों साल में आप ये 3 से 4 बार इस काम को जरूर कीजिए तो दोस्तों ना तो आपके घर में मक्खी आएगी, ना मच्छर आएंगे, ना ही कॉकरोच आएंगे और ना ही दोस्तों चूहे आएंगे। ये सब आपके घर से भाग जाएंगे, आपने इनके लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप इस नुस्खे को अपनाइए और घर के मक्खी मच्छर कॉकरोच और चूहे को घर से भगा दीजिए और अपने शरीर को भी स्वस्थ बना दीजिए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।